छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का छठवां और आखिरी दिन था। इस दौरान प्रश्नकाल में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के नियमितीकरण का मामला उठा है। साथ ही पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं निर्देशित करूंगा कि जल्द से जल्द कमेटी की बैठक आयोजित की जाए। आज प्रश्नकाल के दौरान में जो दैनिक वेतन भोगी है, अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, विद्या मितान है, अतिथि शिक्षक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे जो अनियमित है, ऐसे लोगों के लिए आज प्रश्न लगाया गया था और उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कि सरकार ने में आने के पहले इनके घोषणा पत्र में ये बातें रही कि हम सरकार में आने के बाद में सबको नियमित करेंगे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जानकारी दी, सदन में समिति बनी हुई है और निश्चित तौर पर हमारे सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो हमने अपनी जितनी भी बातें हमने अपने जन घोषणा पत्र में हमने रखी, उसको हम अवश्य आज